हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। आज हमें बात करनी है कि जब भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान, हमने गवर्नेंस टाइप ऑफ जो है गवर्नेंस इन द वर्ल्ड और बहुत सारी चीजों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, जान लिया कि राजव्यवस्था होती क्या है। अब हमें बात करनी है कि भारतीय संबंध में जो भारतीय संविधान है, इस संविधान में जो व्यवस्था दी हुई है भारत देश को चलाने के लिए, इस व्यवस्था का सूत्रपात कहां से हुआ। यानी हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इससे पहले कल मैंने बताया था कि सब कुछ करता धरता जिसके हम गुलाम बने रहे वह रही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसीलिए कल मैंने आपको कुछ ही देर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारी चीजों को मैंने बताया था, कैसे कैसे इसने व्यापार प्रारंभ किया, कैसे कैसे इसने भारत पर आधिपत्य किया, क्या क्या कार्य ब्रिटिशों के द्वारा यहां पर किए गए, ऐसी तमाम बातों के बारे में मैंने आपसे पर चर्चा की थी। तो आज उसी के क्रम में जो आपके कोर्सेज हैं, 10 प्लस वीडियो कोर्स जो टीम परीक्षा प्लस चला रही है इस समय, ठीक है, इसी के क्रम में हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो क्लास आपकी तीसरी होती है, डेली बेसिस पर चार क्लासेज आपको मिलती हैं, तो जो क्लास आपकी तीसरी होती है शाम 6 बजे, उसी का यह आपका लेक्चर है। इसको नाम जीएस प्लस दिया गया है, यानी इसमें डिटेल्ड जो है जीएस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। अगर आप जो है डेली बेसिस पर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, वीडियो सारे के सारे फ्री उपलब्ध होते हैं, लेकिन अगर आप हर एक नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा, जो कि आपको सभी कक्षाओं की जो है पीडीएफ उपलब्ध करवाएगा। एक आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पर सारी पीडीएफ दी जाती है। तो चलिए आज हम बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक तो वही है जहां पर कल मैंने आपको सारी चीजें शुरुआत की थी। आज इसी में हमें थोड़ा सा जो है और चीजों को देखना है, अच्छे से समझना है हर एक चीजों को। तो उसी में धीरे धीरे मैं हर एक चीजों से आपसे प्रारंभ कर रहा हूं। टॉपिक आपका वही है, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास या भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास जो है पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान के जो है विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमें देखना है। तो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद देखते रहेंगे कि कौन कौन से ऐसे अधिनियम, कौन कौन से ऐसे राजलेख रहे जो भारतीय संविधान में अंग्रेजों के द्वारा लाए गए, और उनका जो एक असर रहा भारतीय राजव्यवस्था को चलाने में, वह आज भी छाप छोड़ कर गया है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर हम अब आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं, तो कंसंट्रेट हो जाइएगा। मैंने कल ही बताया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वप्रथम जो उद्देश्य रहा, यह व्यापार करने के मकसद से भारत में आए थे उस दौरान, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर कंपनी व्यापार से अपना हर एक कामकाज पलट करके धीरे धीरे ये किधर प्रशासन की ओर चलने लगी। प्रशासन की दिशा में जब इसने 1757 का बक्सर जो है प्लासी का युद्ध हो जाता है, 1764 का बक्सर का युद्ध हो जाता है, दोनों में जब इसको विजय प्राप्त होती है, उसके बाद क्या होता है, 1773 से कंपनी भारत में प्रशासन के तौर पर आ जाती है, और 1773 से लेकर के आपका कब तक, अगर हम कंपनी के प्रशासन के बारे में बात करें आपसे, तो कंपनी के प्रशासन के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। वो बात थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी कब 1600 में भारत में, ठीक है, 1600 में इसका जो है निर्माण हो गया, किस तरफ कि पूर्व देशों की ओर आप व्यापार करने के लिए जाइए। कल इसका मैंने इतिहास बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जब यह आई 1608 में इसने किसी तरीके से प्रयास करके, ठीक है, व्यापार को प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे जब यह पूरी तरीके से 1757 प्लासी का जो आपका युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के साथ ही साथ जब 64 में, ठीक है, ये बंगाल में जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके विपरीत युद्ध हुआ था अंग्रेजों में, ठीक है, दोनों में, और 1764 का जो बक्सर का आपका युद्ध हुआ जिसमें त्रिगुट ने अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था, इन दोनों युद्धों में विजय के उपरांत 1773 से कंपनी आपकी किस में आ गई, प्रशासन में पूरी तरीके से आ गई, और 1773 से लेकर जो है 1857 जब तक विद्रोह नहीं हुआ तब तक कंपनी प्रशासन के तौर पर यहां सारे कार्यभार अपने देखती रही। 1857 में जब विद्रोह हो जाता है तो विद्रोह के बाद कंपनी से शासन ब्रिटिश जो क्राउन थी यानी ब्रिटिश संसद अपने हाथों में ले लेती है, और हम गुलाम हो जाते हैं कंपनी को छोड़कर के इसके ब्रिटिश की सत्ता के।
तो हमें दो तरीके से इस पूरी चीज को पढ़ना होता है। सबसे पहले कंपनी के अधीन जो शासन रहा 1773 से लेकर के, और यह शासन हम पर चलता रहा कब तक, 1857 तक। 1857 के बाद ये कंपनी के हम गुलाम बने रहे। तो कंपनी का जो शासन रहा वो कब से कब तक रहा, 1773 से लेकर के 1857 तक। उसके बाद ब्रिटेन के ताज के हम लोग गुलाम बने, या फिर राजा रानी के गुलाम बने, जैसा भी कहना चाहें, ब्रिटेन के ताज के अधीन हो गए हम लोग, ठीक है। तो ब्रिटेन के ताज के अधीन जब हम बन गए, तो इस पर 1858 में एक चार्टर एक्ट आता है, उस एक्ट के माध्यम से हम लोग 1947 तक ब्रिटेन के सीधे सीधे गुलाम रहे। तो हम पर दो तरीके से गुलामी चलती रही, एक तो आपका कंपनी का शासन हम पर सबसे पहले चला, वो 1773 से प्रारंभ होकर 1857 तक रहा। जब 1858 में विद्रोह हुआ, उसके बाद विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटेन की महारानी ने भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, और भारत एक कंपनी से मुक्त होकर हम सीधे सीधे किसी देश के अधीन हो गए, गुलाम हो गए। तो लगातार हमारा शोषण 1600 से लेकर के 1947 तक चला, ठीक। तो उसी में क्रम में अंग्रेज जब यहां प्रशासन करना प्रारंभ करते हैं, तो इससे पहले चूंकि ये 1600 में आ चुके थे, 1600 में इनको अधिकार मिल गया था कि आप पूर्व के देशों की ओर व्यापार करने के लिए जाइए, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें प्रावधान किया था। भारत में जब ये थे, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब ये कंपनी आई, तो कंपनी में बहुत सारे साझेदार थे। इस कंपनी में लगभग 200 लोगों के करीब लोग इसमें पूंजी लगाए थे। ब्रिटिश राजघराने के भी इसमें लोग थे, जो राजसी जो है कार्यों में वैसे लोग थे, उनको भी शामिल किया गया था। कंपनी का सबसे पहले आइडिया यही था कि भारत में पुर्तगाली हैं, और कंपनी सिर्फ किसका व्यापार, मसाले का व्यापार करना चाह रही थी, इसीलिए सबसे पहले ये किधर पहुंचे, दक्षिण भारत की साइड भी पहुंचे थे, केरल की ओर, ठीक है। अब इन्हीं पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं कि कंपनी के विकास के इतिहास में और कौन कौन सी चीजें आपकी मजबूत हुई, तो इन्हीं के परिपेक्ष में हमें बात करनी है। ध्यान दीजिए, उस दौरान क्या हुआ था, 1858 के बाद भारत जो है कंपनी की गुलामी से मुक्त होकर ब्रिटेन की ताज यानी ब्रिटेन के राजा रानी के अधीन हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है दिसंबर के अंतिम महीनों की बात है, यानी लगभग 31 दिसंबर आपको हर जगह लिखा मिलेगा, 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड में एक राजलेख के माध्यम से इसका गठन किया गया था। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, गठन नहीं, इसको अधिकार दिया गया। गठन तो इसका लगभग 1590 की बात है, तभी हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। धीरे धीरे ये अपनी पहुंच बढ़ा रही थी कि भारत में अगर व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से हमें टक्कर लेनी होगी, और पुर्तगालियों से टक्कर लेनी है तो हमारे ऊपर छत्रछाया किसकी होनी चाहिए, किसी जो है, अगर ब्रिटेन की राजा रानी की छत्रछाया हम पर हो गई, ब्रिटेन के संसद का हाथ हम पर हो गया, तो हम कहीं भी व्यापार कर लेंगे। इसीलिए इन सभी का उद्देश्य रहा कि हमें रानी के द्वारा एक जो है अधिकार पत्र मिले, और वो अधिकार पत्र इन्हें 1600 में मिल गया। और जब इन्हें अधिकार पत्र मिला, तो धीरे धीरे ये शुरू कर देते हैं किधर, भारत की ओर व्यापार करना। लेकिन उससे पहले चूंकि कंपनी में साझेदार बहुत थे, पूंजी लगाने वाले बहुत लोग थे, तो कंपनी किसके नियंत्रण में चलती, इसीलिए इन सभी लोगों ने 24 सदस्य और एक डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ जो है किसका, डायरेक्टर्स का गठन, यानी निदेशक मंडल का गठन किया। यह निदेशक मंडल इंग्लैंड से कंपनी के को कार्य करने के लिए निर्देश जारी करती थी। 24 इसमें क्या थे, सदस्य थे, और एक उसका मुखिया बना था जो गवर्नर कहलाता था। वहीं से ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। उसके बाद अगर देखें, इस कंपनी के शीर्ष पर कितने लोग थे, शीर्ष पर एक गवर्नर और अन्य 24 सदस्य होते हैं। आगे इसी में बात करें, अगर ये कंपनी किस नाम से जानी जाती थी, कंपनी जो है बहुत नाम चेंज हुए, कल मैंने सब कुछ आपको बताया है। शुरुआत की बात थी जब इसको एडवेंचर्स एमरल्ड के नाम से जानते थे, नाम बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखा हूं, बाकी चीजें मैंने बता दी हैं, कल के नोट्स में भी दिया था। इस नाम से जाने जाते थे, लगभग 212 इसमें पूंजीदार थे। भारत में कंपनी के व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, कल भी मैंने बताया था कि विलियम हॉकिंस भी आता है, अरबी का जानकार था, सारी चीजें यहां आई, उसको मनसब 4000 का मनसब भी प्रदान किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ भारत में जो है व्यापार करने की अनुमति को लेकर के। तो वहां पर जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस सबसे पहले आया था, किधर, ब्रिटेन के जो है चार्ल्स प्रथम की ओर से सबसे पहले आया, लेकिन इसको अनुमति नहीं मिली।
और यह अरबी भाषा का जानकार था, इसको पूछा गया है। विलियम्स जो था, ये विलियम हॉकिंस, ये अरबी भाषा का जानकार था। यूपीपीसीएस इस प्रश्न को आपकी पूछी है। देखिए जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, यूपी ट्रिपल एससी में भी इससे सवाल हमेशा आए हैं और हमेशा आएगा, इसीलिए लेखपाल के लिए इसको बहुत ढंग से पढ़ना है। और जितने लोग खासकर उत्तर प्रदेश एसआई भी देने जा रहे उनके लिए तो यह पॉइंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यूपी एसआई में भी इससे सवाल बहुत सारे होते हैं, 24 प्रश्न आपके आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में पॉलिटी से मैंने बताया कि 6 प्रश्न तो होते ही आए, 40 जब क्वेश्चन होते हैं, समझ जाओ किसका रोल है। यूपीपीएससी में अगर देखा जाए तो जो है लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पॉलिटी के इस सेक्शन से जो सेगमेंट मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर सीधा सीधा मैचिंग देता है आपको। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इन सभी एक्ट को पढ़ना है, क्योंकि ये सारे एक्ट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगली चीज, विलियम हॉकिंस के बारे में हमने जाना, विलियम हॉकिंस जो है अरबी का जानकार था, लेकिन यह व्यापारिक संधि करने में नाकाम रहा। अब 1615 की बात है, इसमें टॉमस रो राजदूत बनके फिर से आता है, भारत आता है, और यह व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया। टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति मिल गई, उसके बाद बातें क्या हुई, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहां से व्यापार प्रारंभ किया, सूरत से व्यापार को प्रारंभ कर दिया जब इनको अनुमति मिल गई। उसके बाद अगर हम देखें फिर क्या चीजें आई थी, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या था, धीरे धीरे ये व्यापार अपना कर रहे थे, हर जगह पर जो है लगातार फैलाव इनका हो रहा था, और उसी में एक बहुत बड़ी घटना हुई 1757 की प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, और 1764 में जो बक्सर का आपका युद्ध हुआ था। इन दोनों को अगर देखें, अंग्रेजों के द्वारा जब ये जीत लिए गए तो अब कंपनी का जो शासन चलाने मतलब व्यापार करने का जो आइडिया था वह आइडिया बदल गया। अब इनकी लालच किधर, प्रशासन की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि व्यापार के लिए इन्हें हर एक अनुमति लेनी पड़ती थी। मैंने कल दस्तक प्रक्रिया के बारे में आपसे चर्चा किया, ठीक है, बंबई के टापू द्वीप के बारे में आपसे चर्चा किया। तो इन्हीं सारी चीजों की जैसे जैसे इन्हें वजह मिलती गई, वैसे वैसे इनमें कहीं ना कहीं हमेशा क्या होती है भाई, लालच, जानते ही हो, जैसे जैसे मौके मिलेंगे आपको लालच बढ़ती जाएगी और आप गलत कार्यों की ओर बढ़ते जाएंगे, तो वही चीजें इनमें भी थी। इसके बाद क्या हुआ, जब ये दोनों चीजों को जीत लिया, इन्होंने 1757 में प्लासी की लड़ाई और 64 में बक्सर का युद्ध जब ये जीत गए, तो उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का सिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया। यहीं से सबसे पहले बंगाल से इन्होंने सारी पृष्ठभूमि को तैयार किया कि कहां से कानून उमटना शुरू करना है, तो बंगाल राज्य को इन्होंने चुन लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, बंगाल में इन्होंने इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर बहुत सारे एक्ट पारित किए, अधिनियम पारित किए। इन्हीं अधिनियमों का भारतीय संविधान के विकास में एक छाप है, या इनको हम बोल सकते हैं कि ये भारतीय संविधान के विकास की एक सीढ़ी है, ठीक है। जो जो अधिनियम आए उन अधिनियमों के द्वारा कोई ना कोई विशेष आपके एक्ट पारित किए गए, और उन्हीं मतलब एक्ट के ऐसी व्यवस्थाएं कंपनी ने बनाई जिन व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं कंपनी को चलाने के लिए भारत में विधियों निर्माण का होना बहुत जरूरी था। जो कंपनी के लिए 24 लोग थे, यानी 24 सदस्य थे, एक गवर्नर आपका बना था, यानी 25 लोग, इन 25 लोगों का कार्य यह था कि भारत में तुम्हें व्यापार के लिए क्या करना है, उसके लिए वो कानून बनाकर इंग्लैंड से जो है यहां भारत भेजते थे, उन्हीं कानूनों पर कंपनी व्यापार जो है अपना करती रहती थी। तब तो मोबाइल फोन था नहीं कि इधर से बोलना है कि फला ऑर्डर लेना है भाई तो क्या करें। उसी पर धीरे धीरे बाद में ये चीजें शिफ्ट हुई कि भाई हम लोग इंग्लैंड में बैठे हैं, पता चलता है 20 दिन बाद एक कोई ऑर्डर पहुंचता है, तो उस ऑर्डर को चूंकि भारत में कैसी जरूरत कंपनी को है, इन्हीं सभी को समझते हुए बाद में जो गवर्नर और उनकी बॉडी थी मतलब जो 24 लोग थे उन सभी से जो ये कानून बनाने का अधिकार था इसको यहां के कंपनी में जो है ट्रांसफर किया गया। इसी को लेकर अब ये नॉर्मल सी तो बात है नहीं भाई, सब कुछ एक प्रोसीजर से तो करोगे आप, कोई भी आपको कार्य करना है तो एक प्रोसीजर होना चाहिए। अब उसमें क्या हुआ, उस प्रोसीजर को लाने के लिए ठीक है एक वहां से एक्ट पारित हुआ कि इस एक्ट के माध्यम से ऐसा ऐसा कंपनी को किए जाने की छूट दी जाती है। तो सबसे पहले उस एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक्ट रहा क्या, ध्यान दीजिए। उसमें अगर हम देखें कि सबसे व्यापक इसमें रोल आपका कौन सा निभाता है, तो सारी चीजें जहां से सबसे इंपॉर्टेंट बनती है, वैसे 1700 आपका जो है इससे पहले भी 1726 का राजलेख रहा ठीक है, जिसके द्वारा जो है
कानून बनाने की सक्रिया जो है प्रदान की गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा जहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं, मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं, और वो चीजें आपकी सबसे पहले आएंगी 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट रहा, सबसे पहले हमें इसे जानना है। इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा भैया पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, 1773 का यह रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या चीजें बदलाव लेकर आया, यानी कंपनी को कैसी कैसी चीजें यहां पर लागू करने का इसमें फरमान था। तो ध्यान दीजिए सारे लोग, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम क्या किया गया, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, कल इसके बारे में मैंने विधिवत चर्चा किया था, इसमें एक जो है ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और इसकी परिषद के 4 सदस्य थे। सबसे पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें एक गवर्नर जनरल था और उसके साथ ही साथ 4 सदस्य थे उसके, ठीक है, गवर्नर जनरल, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं, कौन कौन सी, चलिए देखते हैं कि 1773 में क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि 1773 का जो एक्ट रहा, इसके द्वारा मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 3 प्रेसिडेंसी अब इनके जो है अधीन आई थी। इनमें यह प्रश्न कई बार पूछा है कि किस एक्ट के द्वारा 2 प्रेसिडेंसियों यानी मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया, वो रहा आपका 1773 का एक्ट। दूसरी बात, इसका जो मकसद था इस एक्ट को लाने का, कंपनी में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकना था। 1773 तक कंपनी में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, कंपनी को लोन की भी जरूरत पड़ गई, कंपनी ने यहां से फरमान वहां भेजा कि हमें लोन चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए 1773 का यह एक्ट आया था, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। आप जानते हो कि हर एक गवर्नर जो यहां होता था, दूसरों को युद्ध जिताता था, उसको हर एक राजा से पैसे मिलते थे, और इसीलिए अंग्रेज के व्यापारी जो यहां व्यापार करने आते थे या गवर्नर जो यहां होते थे, ये लोग जब लंदन वापस जाते थे या इंग्लैंड वापस जाते थे, वहां पर वहां के व्यापारी इनको चिढ़ाते थे, क्योंकि भारत में सभी क्या बोलते थे अंग्रेजों को, बाबूजी। तो वहां उनका मजाक बाबूजी कहकर होता था कि बड़े आदमी है बाबूजी हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये जो एक्ट रहा, ये एक्ट इसी वजह से पारित किया गया था क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। अगली बात, यह अधिनियम एक गुप्त समिति की अनुशंसा पर पारित किया गया था, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि मैंने बताया कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से यह कहा कि हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए, कंपनी में के पास पैसे नहीं है अपने वेतन देने के लिए। तो इसीलिए एक जो है सेक्रेट कमेटी बनाई गई कि देखो कंपनी के हालात क्या है। जब कंपनी के हालात देखे गए कि वास्तव में यहां भ्रष्टाचार जैसी चीजें बहुत हैं, तो एक 1773 का एक्ट पारित किया गया कि कंपनी पर नियंत्रण पहले प्राप्त किया जाए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और कौन सी बातें प्रमुख रही, तो अन्य बातों में देखें, उस समय जो बंगाल का आपका गवर्नर होता था, ठीक है, बंगाल में जो गवर्नर होता था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि 2 प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन किया गया। अब यानी जब इसके अधीन आ गई तो इसकी पावर बढ़ गई, ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और यह प्रश्न बहुत बार आया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपका वॉरेन हेस्टिंग था, जो सबसे पहले क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल कहराया। अब आगे देखते हैं, यह प्रश्न बहुत बार आया है आपका, पूछा गया है, गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिनमें कौन कौन शामिल थे। जो 4 सदस्य इसकी परिषद थी उसमें फिलिप फ्रांसिस थे, आपके कुल वेरी हंस थे, मानसन थे और वर्नेल थे। ये चारों जो है गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए उनकी परिषद के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यह परिषद इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति जवाबदेह थी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसी के द्वारा एक प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है और हमेशा पूछेगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो वह 1773 का एक्ट रहा, ठीक है। हालांकि इसकी स्थापना 1774 में हुई, ठीक है, पूर्ण, लेकिन प्रावधान किसके द्वारा, 73 के द्वारा किया गया था। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिनका और तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो 4 सबसे पहले न्यायाधीश थे, एक आपके सीजीआई इसमें जो है बनाया गया था, बाकी 3 जो थे वो अन्य न्यायाधीश के तौर पर थे, जो सबसे पहले 1773 में, ठीक है,
बनाई गई थी आपकी सुप्रीम कोर्ट, और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। ठीक है, ये वो समय 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आए थे। आगे बात करते हैं तो 73 की सारी चीजों में आगे मैंने चुके बताया कि ये है वो समय कंपनी ने क्या बोला था। कंपनी ने ऐसा बोला कि हमारे यहां भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है तो अब हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए, हम अपने शासन को चला नहीं सकते। तो जब सारी चीजों को देख लिया गया तो इसी वजह से 1773 का यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट रहा। इसके माध्यम से जो मुख्य रूप से प्रावधान था वो ये किया गया कि कंपनी पर सर्वप्रथम संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व, इस चीज को ध्यान दीजिए, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक बना दिया गया। यहां पर जो ब्रिटिश आपकी थी मतलब कंपनी थी तो उस कंपनी को, ठीक है, ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद को कौन कौन से मामले के कि राजस्व कंपनी को कितना मिल रहा, कंपनी में इस समय कितने लोग हैं वहां पर, और कंपनी में चूंकि कंपनी यहां सैनिकों को भी रखती थी तो सैनिक के तौर पर जो भी मामले होंगे, किस राज्य पर भारत में आक्रमण हुआ, कौन सा राज्य कब्जे में है, इन सभी जानकारियों को वहां पर ब्रिटेन की संसद को देना अनिवार्य बनाया गया इस एक्ट के माध्यम से। अगली चीज, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि उस समय यही था कि कंपनी का हर एक जो है सदस्य अपना व्यापार करने लगा था, क्योंकि टैक्स देना नहीं होता था, सारे लोग अपने व्यापार को प्रारंभ कर दिए, तो इस चीज को प्रतिबंधित किया गया था 1773 के एक्ट के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, अब इसमें चूंकि जानते ही जानते हैं 1773 का जो ये आपका एक्ट रहा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, तो जो राजस्व और ये सारे मामले थे, यानी चूंकि कंपनी उस समय 1757 से ही पूरी 64 का जैसे बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद राजस्व का मामला, ठीक है, सारी चीजें इसके हाथ में आ गई थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटिश कंपनी की जितनी अधिकारिता थी सबको सुप्रीम कोर्ट को चली गई। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को सारी चीजें पहुंच जाएंगी तो कंपनी को कहीं ना कहीं कुछ चीजों की ज्यादा जरूरत थी। इन्हीं सभी को देखते हुए 1781 की बात है, एक नया रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया जिसको बोला गया एक्ट ऑफ जो है सेटलमेंट 1781, यानी उसमें कुछ कमियां रह गई, उन्हीं कमियों को सेटलमेंट करने के लिए 1781 में एक नया एक्ट आया। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किया गया 1781 के नए एक्ट में, इसमें यह किया गया कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपकी खामियां थी इन खामियों को दूर किया जाए। यानी मुख्य रूप से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जब सारी अधिकारियों जो है अधिकारियों को पा गया तो गवर्नर जनरल विधि बनाने के लिए आए थे, तो जब इनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट बोल दे ये कानून सही नहीं, इन्हीं सारी चीजों को सबसे पहले मुक्त किया गया 1781 के एक्ट के द्वारा। दूसरी बात मैंने बताया, कंपनी चूंकि किसका कार्य करती थी, कंपनी जो है राजस्व वसूलने का कार्य यहां पर करती थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया गया, यानी यह उठाकर के इसको कंपनी को वापस कर दिया गया कि कंपनी को ऐसी जरूरतें पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं तो मुख्य बातें इसकी यही थी, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त किया जाना, और दूसरा राजस्व अधिकारिता जो सर्वोच्च न्यायालय को चली गई थी वह राजस्व अधिकारिता फिर से जो है वापस कंपनी को दी गई। अब हम पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 में एक नया आपका एक्ट आया जिसको नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या कैसे कैसे प्रावधान ने आखिर कौन सी चीजें भारत में फिर से लागू की गई, तो इस पर अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में बहुत सारी कमियां रह गई थी। ठीक, उन्हीं सारी कमियों को सुधारने के उद्देश्य से यह भी चीजें आई थी 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन इसमें ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उनका सीधा सीधा कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था। उसको समझते हैं ऐसे कि रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट से संबंधित जो विधेयक था या ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया तथा 1784 ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया, और यह जो आपका रहा 1784 का आपका कानून, इसके जो उपबंध थे कौन कौन से ऐसे कानून थे
जिसको यहां पर लागू किया जाना था कंपनी पर, तो उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न आता है। इसके उपबंधों पर अगर हम ध्यान दें कि इसके द्वारा क्या क्या जो है कार्य किए गए, तो ध्यान दीजिए सबसे पहला जो मुख्य बिंदु इसका आता है, इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, कंपनी चूंकि व्यापार करती थी, राजनीति करती थी, प्रशासन भी चलाती थी, व्यापार भी चलाती थी, तो सबसे पहले यह बोला गया कि कंपनी के दोनों पार्ट को अलग करो, एक पार्ट व्यापार को देखे, एक पार्ट राजनीति करे। ठीक है, तो यह पूछता है सीधा सीधा प्रश्न कि भारत में कंपनी के वाणिज्यिक और राजनैतिक व्यापार को किस एक्ट के माध्यम से जो है अलग किया गया, तो 1784 का एक्ट रहा पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरी बात, इसने निदेशक मंडल यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी होते थे, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति तो दी कि कंपनी जो है चूंकि व्यापार करने के लिए ही तो 24/1/25 बने थे शुरुआत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी अनुमति दी कि भाई निदेशक मंडल कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखे, लेकिन राजनीतिक जो मामले कंपनी के प्रबंधन के लिए होते थे उसके लिए एक अलग से बनाया क्या नियंत्रण बोर्ड बना दिया, बोर्ड ऑफ जो है काउंसिल बना दिया, बीओसी का गठन कर दिया। ठीक है, तो अभी तक बीओडी होते ही होते थे, अब बीओसी एक नया बोर्ड बना जिसको बोर्ड ऑफ क्या बोला गया, कंट्रोलर नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई 1784 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, मैं जैसी जैसी बातें बोल रहा हूं जिस हिसाब से हूबहू वही प्रश्न उसी अनुसार उसी भाषा में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपकी समझ को आसान बनाने के लिए मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान दीजिए अगली चीज, नियंत्रक जो आपका बोर्ड रहा, ठीक है, निकाय का एक नए निकाय का गठन होता है जिसको जो है क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोला गया। और इस प्रकार सबसे पहले अभी इस पर गौर करिए, द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, तो 1784 से शुरुआत हो जाती है क्योंकि कंपनी की राजनीति अलग और व्यापार अलग, दोनों के लिए दो बोर्ड बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद प्रमुख एक्ट आपका कौन सा आया, उसी के साथ साथ कुछ चीजों को और आपको देखना है, वो क्या है, वो बात ये बनी कि जो नियंत्रक बोर्ड रहा बीओडी आपका, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, सॉरी बीओसी नियंत्रक बोर्ड है जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा, ठीक, उसको तो ये अनुमति दी ही गई कि आपको क्या करना है, अब कंपनी में सिर्फ व्यापारिक अधिकार पर आपकी शक्तियां सीमित की जाती है, लेकिन बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर थे इनके लिए यह एक शक्ति का प्रावधान किया गया, एक पावर इनको दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत यानी जहां जहां कंपनी का आधिपत्य है, कंपनी का शासन है, उसे ब्रिटिश नियंत्रित भारत बोला था। ठीक है, वो बीओसी को इन्होंने क्या दिया, एक पावर दिया कि जहां जहां ब्रिटिश नियंत्रित भारत में वह सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे, किसको, बीओसी को यह पावर दी गई। समझ गए, अभी तक क्या किया था कि संसद को देना अनिवार्य है सारी जानकारी, अब बीओसी को सारी जानकारियों की क्या वो नीज लगी, सीधा सीधा उसका हस्तक्षेप बना। दूसरी बात क्या हुई इसको समझिए, इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण बनता है, और वह सबसे पहला वाला कारण क्या है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। सबसे पहली बार क्या बोला गया, क्योंकि यहां शब्द क्या इस्तेमाल है, यहां पर शब्द आपका इस्तेमाल है कि ब्रिटिश भारत, तो वही चीजें यहां आई, ब्रिटिश नियंत्रित भारत, तो सबसे पहला प्रावधान यह स्पष्ट हुआ कि कंपनी के अधीन जितने क्षेत्र थे उनके लिए पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, व दूसरा जो रहा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जब बन गया तो इसको पूर्ण रूप से नियंत्रण मिल गया, किसको, ब्रिटिश की सरकार को। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आपका मुख्य रूप से एक्ट क्या रहा, और वह एक्ट आपको पढ़ना है 1793 का जो एक आपका चार्टर अधिनियम आया। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 1813 का आपका जो चार्टर एक्ट रहा, इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसको कई बार पूछा है, किन तथ्यों की वजह से पूछ रहा है, यानी क्या प्रावधान इसके द्वारा, कुछ विशेष चीजें आई थी और वो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, इसी वजह से 1813 और 1833 को हमेशा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 1813 के वजह से कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, बहुत ढंग से समझिएगा 1813 में जो आपका आया था एक्ट, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इन्हीं को हमें बहुत अच्छे से समझना है।
विशेषताओं पर ध्यान दीजिए, बोल रहा कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि कंपनी सबसे पहले 10 वर्षों के लिए व्यापार करने की छूट, फिर 15 वर्षों के लिए, ऐसे ऐसे हमेशा बढ़ाया जाता था। तो यहां पर जो ये 1813 में एक्ट आया, इसके द्वारा कंपनी के जो अधिकार पत्र था व्यापार का, उसको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। सबसे पहले मैंने बताया, जब कंपनी 1600 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो इसको सबसे पहले इधर भारत देश के साथ या पूर्व के देशों के ओर व्यापार करने का एकाधिकार था, यानी कोई और कंपनी इस तरफ व्यापार करने नहीं आएगी। लेकिन अब इस व्यापारी के एकाधिकार को छीन लिया गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहां से जो भी इस कंपनी का आदमी जाता वो बहुत अमीर होके जाता था। इस वजह से वहां के व्यापारियों का सरकार पर बहुत जबरदस्त दबाव पड़ने लगा कि हमें भी भारत व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो इन्हीं की वजह से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार रहा वो 1813 के आपके एक्ट के द्वारा समाप्त हो गया। लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार करने और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापार का एकाधिकार रहा वो कंपनी को मिला था, सिर्फ भारत के साथ व्यापारी का एकाधिकार इसका समाप्त हुआ था। यह प्रश्न पूछा है लगातार और पूछेगा, क्योंकि यह कंफ्यूजिंग वाला है। ठीक है, तो एकाधिकार भारत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन चीन और पूर्वी देशों की ओर व्यापार का जो एकाधिकार रहा वह लगातार 20 सालों के लिए बना रहा। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें कुछ सीमाएं बनाई गई, क्योंकि बताया ना मैंने कि हर एक ब्रिटेन का नागरिक चाह रहा था कि हम भारत जाएं, व्यापार करें और क्या हो जाएं, अमीर हो जाएं। इसी वजह से जो वहां की सरकार पर प्रेशर था, तो सरकार ने क्या किया कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, यह भी सवाल पूछता है। ठीक है, वहां के ईसाई बार बार बोल रहे थे हम भारत में जाएंगे, धर्म परिवर्तन कराएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, तो उनको भी भारत आने की अनुमति इस एक्ट के द्वारा दी गई, यह भी पूछा है सवाल। भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने का निर्णय लिया गया, यहीं से प्रावधान बना कि अब भारतीयों की शिक्षा पर भी कुछ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद आपका 1833 का चार्टर एक्ट आता है, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब हमें बात करना है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो आया वो 1833 का। 13 के बारे में हमने बात कर लिया, 13 और 33 को बहुत अच्छे से समझना क्या हुआ, क्योंकि 20 साल का इनको क्या मिला था 1813 में, 20 साल के लिए चीन के साथ और चाय जो है चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार मिला था, वो 33 में आपका पूरा हुआ। अब चीजें बदलने लगी, क्या हुआ, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया, क्योंकि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी इस चीज को समझना है अब आपको, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार रहा वह समाप्त हो गया, क्योंकि भारत में इसको सिर्फ शासन करना रह गया, अधिकार इसके सब कुछ छीन लिए गए 1833 के द्वारा। ठीक है, जो 13 में 20 साल के लिए रोका गया वह भी अधिकार खत्म हो गया, अब कंपनी भारत में सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन कर रही थी। आगे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, 1833 के एक्ट के द्वारा। उसके बाद अब आपसे सवाल पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसको याद रखना, बहुत बार सवाल पूछा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसके साथ ही साथ चीजें और ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, शुरुआत में 4 थे, उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया कि जो कानूनों का जो है जानकार हो। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की छूट दे दी गई, मतलब किसी को लाइसेंस की जरूरत ही नहीं, भारत आओ जैसी मर्जी वैसे लूटो ले जाओ, ये चीजें प्रावधान किया गया। तो ये 33 के माध्यम से हुआ। पहली बार आने की छूट कब मिली ईसाइयों को और इन सभी को, 13 में, लेकिन 33 में सभी को दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये भी प्रश्न अगला भी आपसे बहुत बार पूछा है, अगला प्रश्न आपसे अगला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। यह सवाल पूछता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि इसी के द्वारा प्रावधान था। अगली चीज आपको समझना है बहुत अच्छे से, और वह चीज यह है कि इस दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और 1843 में इस पर रोक लगा दी गई। वो इसी के द्वारा सारे प्रावधान किए गए थे, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और 1843 में इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो 33 में ये सारे मुद्दे आपके, 1833 के सारे मुद्दे सब कुछ क्लियर हो गए। जितने पॉइंट मैंने बताए हैं यही सब प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, देखो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम क्या ना पढ़े, नहीं तो पढ़ने को अभी आपको पढ़ना हो तो इतना कुछ मैं पढ़ा दूं कि चीजें कोई काम की ही नहीं है, इसका गुण दोष निकालने लगी है हर एक का, तो बहुत व्यापक हो जाए। आगे बढ़िए इसमें, अब हम बढ़ते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या रहा। ठीक है, इसके द्वारा प्रमुख बातें क्या थी पढ़िए उतना जिससे हमारा काम बने। ठीक है, यार नॉलेज बहुत ज्यादा गेन करने से मतलब नहीं है, उसके लिए तब तो आपका BA BSc है ही है जहां हमें ये पढ़ना है सब कुछ, ये तो मॉडर्न का ही आपका हिस्सा है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, ध्यान दीजिए सारे लोग, इसके माध्यम से अब हम 1853 पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद पहली बार नाम सुन रहे हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल यही बन गई थी। ठीक है, आज जो विधान परिषद हम पढ़ते हैं राज्यों में विधान परिषद, ठीक है, 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी, किसके, 1853 के एक्ट के माध्यम से। और क्या प्रावधान था, जिसमें कार्यपालकीय एवं विधायी कृत्यों को अलग अलग किया गया। कार्यपालकीय क्या, कि शासन जो कानून बने उस कानून को क्या करो, लागू करवाओ, क्योंकि सेना थी ही यहां। विधायी का कृत्य मतलब क्या, कि आप सिर्फ कानून बनाने का काम करेंगे, बाकी कार्य कौन लागू करना है उसके लिए अलग चीजें हैं। तो ये प्रावधान किया गया था किसमें, 53 में। अगली चीज, विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लागू किया गया, कि भाई जितने भी ब्रिटिश भारत के आपके क्षेत्र हैं, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से हर एक सदस्य आएगा। ठीक है, जहां जहां कंपनी का शासन है वहां से हर एक सदस्यों को लाया गया। यहां पर प्रतिनिधित्व, यहां क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को इन्होंने लागू किया अंग्रेजों ने। उसके बाद विधि जो सदस्य था पहले, वो पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल में पूर्ण सदस्य नहीं था, अब उसको क्या किया गया, इसको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया 53 के एक्ट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज अगर देखें, इस 53 के एक्ट के द्वारा एक बहुत जरूरी चीज हुई थी, और वह जरूरी चीज जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया। यहीं से शुरुआत हो जाता है 53 से सब कुछ। ठीक है, कि अगर कर्मचारी की नियुक्ति करनी है तो आपको प्रतियोगी परीक्षा जो है पास करनी होगी, प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद ही आप जो है उसका कंपनी का कर्मचारी नियुक्त किए जाओगे। अब बात आती है 53 के बाद जो है 1857। ठीक है, पांडे जी की बिगुल बज चुकी थी, मंगल पांडे जी, विद्रोह हुआ भारत में, अंग्रेजों ने किसी तरीके से दबा दिया। जब विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश संसद को यह लग गया कि कंपनी के कार्यों से लोग खुश नहीं है, कंपनी ने बहुत शोषण किया है, और इसी को देखते हुए 1858 में एक एक्ट पारित हुआ, चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा जो कंपनी यहां शासन करती थी उस कंपनी के शासन को पूरी तरीके से, भारत का शासन अब कंपनी के शासन से ब्रिटिश के क्राउन यानी ब्रिटिश के राजा रानी के अधीन चला गया। अब यहां से हम गुलाम बनते हैं ब्रिटेन के सीधा सीधा, अभी तक हम कंपनी के गुलाम थे, अब ब्रिटेन के गुलाम होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया भारत में। दूसरी बात, भारत में शासन चलाने के लिए भारत मंत्री तथा एक जो है सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए 15 सदस्यीय जो है भारत परिषद होना चाहिए, एक भारत मंत्री, एक आपका भारत मंत्री और 15 सदस्यीय भारत परिषद का जो है निर्माण किया गया। उसके साथ ही साथ आपको जो 15 सदस्य होते थे, जो भारत परिषद बनाया गया, पहले गवर्नर जनरल की परिषद थी, लेकिन जो भारत परिषद बनाई गई जिसमें कुल 15 सदस्य होते थे, इन 15 सदस्यों में चूंकि कंपनी ने भी तो भैया मेहनत की थी, कंपनी ने मेहनत की, किसी ने फसल तैयार की, आके जो है काट ले जाओ तुम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो 15 सदस्य होते थे, इसमें चूंकि ब्रिटेन के आधिपत्य में गया था और कंपनी तब भी थी कंपनी, तो क्या किया गया, इसमें से 7 सदस्य सम्राट द्वारा, ब्रिटेन के जो सम्राट होते थे वो 7 सदस्यों की नियुक्ति करते थे, बाकी 8 सदस्य जो है उनका नियुक्ति जो है कंपनी ही करती थी, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्ति ही होते थे।
यानी कुछ ना कुछ चीजें बाकी रह गई थी। आगे इसमें एक प्रावधान और आया कि बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। भाई बीओसी का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि संसद का उस पर नियंत्रण रहे, जब संसद सीधे अपने हाथ में ले ली शासन तो बीओसी का मतलब क्या, इसलिए बीओसी हटा दिया गया। आगे अगर इसमें देखें जो भारत का गवर्नर जनरल अभी तक कहलाता था उस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायस राय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायस राय कर दिया गया। और भारत का पहला वायस राय कौन था, वह लॉर्ड कैनिंग था। बहुत बार पूछा है भारत का पहला वायस राय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ते हैं 1858 के एक्ट में और चीजें क्या रही। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये आती है, वो चीज क्या थी कि भारत के राज्य सचिव नामक एक पद बनाया गया। ठीक है, भारत का राज्य सचिव नामक एक पद बनाया गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा संसद के प्रति ये उत्तरदायी होता था। तो 1858 के द्वारा इतने सारे प्रावधान ने, इसके बाद कल से हम लोग, ठीक है, इससे आगे इसी पर जो 1858 का आपका आया, ब्रिटेन की संसद का सीधा सीधा हम पर आधिपत्य बना। तो इन्हीं सभी को देखते हुए आगे, ठीक है, 1900 में कुछ एक्ट पारित किए गए, 1909 में आया, 19 में आया, उन्हीं सारे एक्टों के बारे में कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, नोट्स ग्रुप पर मिल जाएगी। सारे लोग ज्यादा से ज्यादा जो है इस जो है प्रोग्राम के तहत 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान ले ताकि आपको हर एक नोट्स हम उपलब्ध कराते रहे। धन्यवाद।